क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, 80 का दशक हिंदी फिल्मों में हीरोइनों के लिहाज से श्रीदेवी का दशक कहा जाता है, क्योंकि इस दौर में उन्होंने हिम्मत वाला, तोहफा, मिस्टर इंडिया और नगीना जैसी एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी, जिनकी बदौलत उन्हें लेडी अमिताभ बच्चन भी कहा जाने लगा। उस दौर में श्रीदेवी देश के तमाम नौजवानों के दिलों की धड़कन थी, लेकिन उस दौर में ही उनकी निजी जिंदगी में काफी उथल पुथल भी मची हुई थी। बता दें कि श्रीदेवी का नाम उस दौर में कई अभिनेताओं के साथ अफेयर में भी सामने आया। स्टारडस्ट पत्रिका में एक रिपोर्ट में तो यहाँ तक कहा गया कि श्रीदेवी ने मिथुन चक्रवर्ती के साथ चुपचाप शादी रचा ली है। पहले से शादीशुदा मिथुन की जिंदगी में इस खबर से मानो भूचाल आ गया था। मिथुन ने दुनिया के सामने इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं किया, जिसके चलते फिर श्रीदेवी ने भी मिथुन से नाता तोड़ लिया। श्रीदेवी ने जितेंद्र के साथ भी एक के बाद एक कई शानदार फिल्में की थी। उनकी जोड़ी का सुपरहिट गाना नैनो में सपना पर तो आज भी लोग थिरक उठते हैं। कई फिल्मों में एक साथ काम करने से लोगों ने इन दोनों कलाकारों का नाम लव अफेयर में जोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन दोनों ने कभी भी सार्वजनिक रूप से इस रिश्ते को नहीं स्वीकारा। इसके बाद श्रीदेवी के फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर के साथ काफी दिनों तक नाजायज संबंध रहे। नाजायज इसलिए क्योंकि बोनी कपूर भी पहले से शादीशुदा थे। इनके इस रिश्ते को छिपाए रखने की दोनों ने पूरी कोशिश की। खुद श्रीदेवी अपने एक इंटरव्यू में कह चुकी हैं कि एक बार मुझे बोनी की वाइफ को ये यकीन दिलाने के लिए कि हमारे बीच कुछ नहीं है, बोनी की कलाई पर राखी तक बांधनी पड़ी थी। इसके बाद श्रीदेवी बोनी कपूर की दूसरी बीवी बन गई। बोनी कपूर की पहली पत्नी का नाम मोना कपूर था, जिनसे उन्हें अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर दो बच्चे भी हैं। बोनी और श्रीदेवी की शादी से उनके परिवार में हलचल मच गई थी। कहा जाता है कि लंबे समय बाद भी श्रीदेवी के मोना और अर्जुन से रिश्ते अच्छे नहीं हो पाए। दोस्तों, इन सभी पहलुओं को देखकर हम समझ सकते हैं कि श्रीदेवी का एक्टिंग करियर भले ही परफेक्ट रहा हो, लेकिन उनकी निजी जिंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं हो पाई। शायद किसी शायर ने इन कलाकारों पर बिल्कुल सही शायरी लिखी है कि लाजवाब है मेरी जिंदगी का फसाना, कोई सीखे मुझसे हर पल मुस्कुराना। भले ही लाखों दर्द है मेरे भी सीने में, पर कलाकार हूँ यारो, मेरा काम है दिल बहलाना, मेरा काम है दिल बहलाना। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही ऐसे और नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।